व्हाट इज ईडीआई? ईडीआई क्या होता है? ठीक है, ईडीआई का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ईडीआई बोलते हैं। ईडीआई इज द कंप्यूटर, ईडीआई इज द कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स इन ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट बिटवीन बिजनेस पार्टनर्स। ठीक है, ईडीआई का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर टू कंप्यूटर हम लोग कुछ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में किसी भी दो बिजनेस पार्टनर्स में, या फिर कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कंज्यूमर टू बिजनेस, जितने भी हम लोग मॉडल्स देखें उसमें एक्सचेंज किए जाते हैं, इंटरचेंज किए जाते हैं। ये इंटरचेंज करना मतलब, जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ मैं। हम लोग कहीं पे भी किसी भी कंपनी में गए, मैं खुद एक बिजनेस चला रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी भी कंपनी में जाता हूँ, वहाँ पे मुझे कुछ प्रोडक्ट्स लेने हैं, ठीक है, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स, मुझे कुछ मशीनरी लेनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा, रिक्वायरमेंट बताऊँगा, मुझे ये मशीन्स की रिक्वायरमेंट है, वो मुझे एस्टिमेट देंगे। एस्टिमेट मतलब एक कोटेशन हमको देंगे, ठीक है, तो वो कोटेशन हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में दे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट मतलब हम लोग को एक पेपर पे हम लोग को प्रिंट आउट देंगे, ठीक है, वो कंप्यूटर से निकला हुआ है, प्रिंट आउट होगा, ठीक है, या फिर हमारे पास कुछ एक मेल आएगा, ठीक है, लेकिन सारा चीज वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रहेगा और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हम लोग को मिलेगा। ठीक है, मतलब मैं गया, मैं अपने रिक्वायरमेंट दिया, उन्होंने अपने कंप्यूटर पे फीड किया और हमें उसी से रिलेटेड एक कॉपी हमको फॉरवर्ड किया। ठीक है, तो यहाँ सारा चीज क्या हो रहा है, जो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स मतलब कुछ जो हमने रिक्वायरमेंट दिया वो उन्होंने एक्सेप्ट किया, वहां से हम लोग को एक कोटेशन मिली। तो कोटेशन क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो हमारे या तो मेल पे आएगा या तो उसका एक कॉपी हमको प्रिंट आउट करके दिया जाएगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में एक बिजनेस डॉक्यूमेंट है। ठीक है, वैसे ही जैसे इनवॉइस होता है, इनवॉइस भी जो होता है वो जीएसटी इनवॉइस आजकल टैली सॉफ्टवेयर या फिर इस टाइप से सॉफ्टवेयर यूज करके ही उसको जनरेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक टर्म हम लोग इसका देखते हैं। तो जनरली जितने भी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो एक बिजनेस से लेके दूसरे बिजनेस तक इंटरचेंज किए जाते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ठीक है, तो सबसे पहला आता है यहाँ पे टर्म कंप्यूटर टू कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे कैसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होता है वो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ईडीआई रिप्लेसेस पोस्ट में पोस्टल मेल, फैक्स एंड ईमेल। ठीक है, ईडीआई क्या किया, जो पोस्टल मेल था, पोस्टल मेल मतलब चिट्ठी वगैरह जो भेजते थे हम लोग, चिट्ठी, टेलीग्राम, ये सारा चीज बंद हो गया। फैक्स जो चलता था पहले वो भी बंद हो गया है। ठीक है, और ईमेल भी जो होता था वो भी ईडीआई के आने से बहुत कम हो गया है। ईमेल तो करते ही करते हैं, लेकिन साथ में अगर हम लोग कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज हम लोग कर सकते हैं, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ईमेल को भी रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, वेल ईमेल इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक अप्रोच, द डॉक्यूमेंट एक्सचेंज बाय ईमेल मस्ट स्टिल बी हैंडल बाय पीपल रेदर देन कंप्यूटर्स। ठीक है, क्योंकि ईमेल जो है इलेक्ट्रॉनिक अप्रोच है और ये भी एक प्रकार का डॉक्यूमेंट एक्सचेंज का एक साधन है हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर्स में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स का यूज किया जाता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज किया जाता है। ठीक है, हैविंग पीपल इन्वॉल्व स्लो डाउन द प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस एरर्स। ठीक है, जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उतने ही ज्यादा उस डॉक्यूमेंट में एरर आ सकते हैं या फिर उस प्रोसेस पे एरर आ सकते हैं। ठीक है, एरर आया मतलब क्या हुआ, जो हमारा प्रोसेस जो चल रहा था वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, इंस्टेड ईडीआई डॉक्यूमेंट्स कैन फ्लो स्ट्रेट थ्रू द अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑन द रिसीवर्स कंप्यूटर, एग्जाम्पल द ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो अगर मान के चलो ईडीआई डॉक्यूमेंट है हमारे पास, ईडीआई डॉक्यूमेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो भी है हमारे पास, वो अगर हम डायरेक्ट रिसीवर के कंप्यूटर पे भेज दें तो हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। कैसे फास्ट हो जाएगा, अब जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होगा, जैसे हम
सीधी सी एक बहुत सिंपल सा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग फ्लिपकार्ट से कुछ भी ऑर्डर करते हैं, ठीक है, फ्लिपकार्ट में ऑर्डर करते हैं हम लोग कुछ भी चीज, ठीक है, तो वहां पे जो कस्टमर है वो कुछ ऑर्डर प्लेस करता है, मतलब ऐड टू कार्ट किया, उसने पेमेंट वगैरह किया और एक ऑर्डर जनरेट हो गया, ठीक है। ऑर्डर जनरेट हो गया तो ऑर्डर सिर्फ कस्टमर के पास है क्या, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में किसके पास गया, फ्लिपकार्ट कंपनी के पास गया, ठीक है। कंपनी ने क्या किया, उस रिक्वायरमेंट को, जो भी मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, उस ऑर्डर को फॉरवर्ड किसको किया, सेलर को किया, ठीक है। तो ये सारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज हो रहा है। ऐसा तो नहीं है मैंने पहले ऑर्डर किया, उसका प्रिंट आउट किया, उसको एनवलप में डाला, मैंने उसको स्पीड पोस्ट किया कि मैंने ये आपको ऑर्डर किया, ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं किया। सारा चीज यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली इलेक्ट्रॉनिकली काम हमारा हो गया, और एक बिजनेस से लेके दूसरे बिजनेस तक, या फिर कंज्यूमर से लेके बिजनेस तक वो ऑर्डर चले गया, ठीक है। वैसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है, ठीक है, उन लोग भी अपना ऑर्डर जो है वो ऑनलाइन ही प्रोसेस करते हैं ज्यादातर, ठीक है। या तो वो हो सकता है मेल के थ्रू करे, या तो उनका कोई एक पोर्टल होता है, ठीक है, तो उनके थ्रू करते हैं, ठीक है, जैसे टेंडर होता है, बहुत सारे चीज जो हो गया आज के डेट में ऑनलाइन हो गया। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास डेटा जो है वो बहुत जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, हमारे पास डेटा जल्दी पहुंचने से मतलब है, और जो भी डेटा पहुंचेगा वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है, ठीक है। बस इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज में दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेगा, और दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होगा, ठीक है, दो ही चीजें इसमें। अब देखो इस डायग्राम से हम लोग समझते हैं, ठीक है, यहाँ पे बायर बैठा हुआ है, बायर जनरेट्स परचेज ऑर्डर, ठीक है, बायर जो है उसने परचेज ऑर्डर जनरेट किया, ठीक है, परचेज ऑर्डर जनरेट किया, उसको फैक्स और ईमेल के थ्रू भेज दिया सप्लायर को, सप्लायर एंटर ऑर्डर इनटू इंटरनल सिस्टम्स एंड प्रिंट्स एंड इनवॉइस, ठीक है। मैंने ऑर्डर किया, ठीक है, जैसे ही ऑर्डर किया वो क्या करेगा, फैक्स या मेल्स के थ्रू उसको भेज देगा, ठीक है, भेज दिया, सप्लायर क्या करेगा, वो ऑर्डर को अपने इंटरनल सिस्टम में, मतलब उसके पास कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर बना होगा जो उस ऑर्डर को प्रोसेस करेगा, वो ऑर्डर को प्रोसेस करेगा, स्टॉक में चेक करेगा कि नहीं, चेक करेगा कि वो प्रोडक्ट है या नहीं है, अगर प्रोडक्ट होगा तो उसका इनवॉइस जनरेट कर देगा, ठीक है, पेमेंट वगैरह लेगा और इनवॉइस जनरेट कर देगा, ठीक है। इनवॉइस आ गया, इनवॉइस को वापस किसको भेजेगा, बायर को भेजेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो चीज हो रही है, फैक्स और ईमेल्स, ठीक है, फैक्स और ईमेल्स के थ्रू भी इनवॉइस वो भेज सकता है, या फिर जो ऑर्डर उसने प्लेस किया है वो भी वो भेज सकता है, ठीक है। लेकिन जब ईडीआई प्रोसेस होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बायर्स इंटरनल सिस्टम होता है और सप्लायर्स इंटरनल सिस्टम होता है, ठीक है, मतलब कोई एक ऐसा पोर्टल बना दिया जाता है जिसमें परचेज ऑर्डर भी बने और इनवॉइस भी बने, ठीक है। जैसे फ्लिपकार्ट एक ऐसा पोर्टल है जिसमें कोई भी कस्टमर वहां से ऑर्डर कर सकता है, मतलब परचेज ऑर्डर वो जनरेट कर दिया, ठीक है, वो किसके पास गया, वो सप्लायर के पास गया, सप्लायर ने उसको एक्सेप्ट किया, उसने पेमेंट भी एक्सेप्ट किया, और उसके बेसिस पे एक नया डॉक्यूमेंट जनरेट किया जिसको वो बोल रहा है इनवॉइस, और इनवॉइस किसको भेज दिया, बायर्स के इंटरनल सिस्टम पे भेज दिया। इनवॉइस हम लोग कहीं पे भी देख सकते हैं, मतलब जो हमने क्या बोलते हैं, जो अकाउंट बनाया, ठीक है, जो कस्टमर का अकाउंट है वहां पे वो इनवॉइस डाउनलोड कर सकता है। अगर मैं उस चीज का लाइव एग्जांपल दिखाऊं तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है, मैं उसका लाइव एग्जांपल एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ ताकि अच्छे से आप लोग समझ जाओ कि क्या चीज के बारे में यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं फ्लिपकार्ट ओपन करता हूँ, ठीक है, मैंने फ्लिपकार्ट ओपन किया, ठीक है, तो मैं ऑर्डर भी यहीं से करता हूँ, जैसे मैं कार्ट में कुछ कुछ ऐड करके रख, ठीक है, मैं यहाँ से ऑर्डर कर दूंगा, ठीक है,
मान लो ये कुछ शूज़ वगैरह मैं यहाँ पे डाल के रखा हूँ, मैं इसको ऑर्डर कर देता हूँ, ठीक है। ऑर्डर्स में यहाँ देखेंगे तो इस टाइप के बहुत सारे ऑर्डर्स मैंने किए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने ऑर्डर्स यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है। ये ऑर्डर हो गया, अगर मुझे मान के चलो इसका इनवॉइस चाहिए, ठीक है, मैंने ऑर्डर किया, ये सप्लायर ने एक्सेप्ट कर लिया, डिलीवर कर दिया, उसके बाद इनवॉइस जनरेट हो जाएगा, ठीक है। मैं अगर मान के चलो इसका मैं इनवॉइस जनरेट करता हूँ, ठीक है, तो इनवॉइस यहाँ पे हम लोग को दो फॉर्म में मिल जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डेटा, सारा चीज़ इलेक्ट्रॉनिक, मैं यहाँ पोर्टल में देख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो इन्वॉइस है वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकता हूँ। तो डाउनलोड इन्वॉइस यहाँ पे मिल, ये सप्लायर के थ्रू आता है, यहाँ से अगर इसको डाउनलोड करता हूँ, ठीक ठीक है, ये देखो आ गया। ठीक है, तो ये मेरा इनवॉइस डाउनलोड हो गया। तो इस प्रकार से ये इनवॉइस जो है सब चीज स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, यहाँ पे आप देख सकते हो सोल्ड बाय, ये सप्लायर का है, कंसल्टिंग रूम्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। जो उसका एड्रेस होगा, उसका जीएसटी नंबर होगा, सारा चीज इसके अंदर अवेलेबल होगा, ठीक है। इनवॉइस नंबर सब चीज इसके अंदर अवेलेबल होगा, और सारा चीज स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सब चीज स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ठीक है। टैक्स इनवॉइस है, ठीक है, जीवीस कस्टमर सर्विस, इस टाइप से हर चीज यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिया गया है, ठीक है। हर चीज क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि ये इनवॉइस है, इनवॉइस अभी भी डाउनलोड हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो सब चीज यहाँ पे लिखा रहेगा, हर चीज का एक फॉर्मेट होता है। तो यही फॉर्मेट ही जो है हमारा ईडीआई का सबसे बेस है। ईडीआई का क्या है, बेस है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग ईडीआई का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हम लोग इसमें शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इनवॉइस, जिसको हम लोग बिल भी बोलते हैं, परचेज ऑर्डर, शिपिंग रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट्स, बिजनेस करस्पॉन्डिंग लेटर्स, ठीक है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेटर्स एक्सेट्रा, बहुत सारे बिजनेस डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, हम लोग अपने इंटरनल सिस्टम से या फिर सप्लायर के इंटरनल सिस्टम से हम लोग सेंड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स, ठीक है। सबसे पहला इसमें फॉर्मेट होता है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो भी हम लोग ईडीआई में यहाँ पे इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, तो वो कुछ कुछ फॉर्मेट को क्या करता है, मेंटेन करते हुए चलता है, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मेट है NCX12, ठीक है। ये जनरली 1979 में यहाँ पे रिलीज किया गया था, और एक अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, एनसी जिसको बोलते हैं, उन चार्टेड द एक्रेडिटेड स्टैंडर्ड्स कमिटी, ASC X12, टू डेवलप यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन, नेमली इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो यहाँ पे एक NCX12 नाम का एक स्टैंडर्ड बनाया गया, जिसको एक्रेडिटेड स्टैंडर्ड कमिटी, ASC जिसको बोला जाता था, उनके बीच में वो जनरेट किया गया था, ठीक है। जो इंटर इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन का, मतलब जैसे कि कोई भी ऑर्डर हो या फिर परचेज डिटेल्स हो या इनवॉइस हो, सबका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दिया गया। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होते हैं, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होते हैं, सबका एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे NCX12 का जो फॉर्मेट यूज किया गया, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए यूज किया गया, ठीक है। किसके लिए यूज किया गया,
बिजनेस ट्रांजेक्शंस के लिए यूज किया गया। तो आज के डेट पे भी ये अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का जो X12 है वो आज के डेट में भी यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, ASC एक्सेल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू UNEDI फैक्ट मैसेजेस दैट आर यूज वाइडली आउटसाइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर में भी इस फॉर्मेट को यूज किया जाता है। प्रोग्राम ठीक है, नेक्स्ट आता है EANCOM। ठीक है, EANCOM इसको हम लोग बोलते हैं। EANCOM प्रोवाइड्स अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस यूज्ड इन बिजनेस। ठीक है, ट्रेडिंग कंपनीज एग्री टुगेदर ऑन मैसेजेस अडेप्टेड टू देयर नीड्स। स्टैंडर्ड मैसेजेस अवेलेबल इन EANCOM कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, मास्टर डेटा, कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स, रिपोर्ट्स एंड प्लानिंग एंड ट्रांसपोर्टर। द मोस्ट वाइडली यूज्ड UNEDI एक सबसेट एंड इज नॉट फाउंड अ वैरायटी ऑफ अदर इंडस्ट्री सेक्टर्स सच एज हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन एंड पब्लिशिंग। ठीक है, तो EANCOM प्रोवाइड्स ए लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो EANCOM जो होता है वो एक लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ मैसेज यहाँ प्रोवाइड करता है। ठीक है, बिजनेस के लिए जितने भी ट्रेडिंग कंपनीज होती है वो इस प्रकार का स्टैंडर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग कंपनीज मतलब जो भी कुछ प्रोडक्ट पे ट्रेड करते हैं या फिर स्टॉक पे ट्रेड करते हैं वो इस टाइप ऑफ फॉर्मेट यूज करते हैं। तो हर प्रकार की इंडस्ट्री का अलग अलग टाइप ऑफ फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो EANCOM जो है अलग अलग कैटेगरीज में है डिवाइडेड है। ठीक है, कैटेगरीज कौन कौन से हो सकते हैं, वो मास्टर डेटा हो सकते हैं, कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं, रिपोर्ट एंड प्लानिंग हो सकता है, ट्रांसपोर्टर हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के यहाँ पे EANCOM के जो स्टैंडर्ड है ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे EDI फैक्ट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे UNEDI फैक्ट का यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है वो किसके लिए यूज किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कॉमर्स के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, EDI फैक्ट इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दैट वाज डेवलप्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। द वर्क ऑफ मेंटेनेंस एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज डन थ्रू यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर ट्रेड फैसिलिटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, UNCE फैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे UNCE फैक्ट जो है जनरली एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कमीशन है जिसमें ये स्टैंडर्ड जो है बनाया गया है। ठीक है, तो अब इसका जो है प्रैक्टिकल मैं चीजें नहीं दिखा सकता क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, ये बहुत अलग चीजें हैं। ठीक है, तो आज के डेट पे UNEDI फैक्ट जो है हर एक सॉफ्टवेयर में, जो भी बिजनेस के लिए यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर, सभी में ये स्टैंडर्ड जो है वो यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी स्टैंडर्ड्स है, NCX12, EANCOM, UNEDI फैक्ट, अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग टाइप का स्टैंडर्ड यूज किया जाता है।